सभी देख सकते हो, ये जो गाड़ी है काफी मजेदार है भाई, मजा आ रहा है चलाने में। कैसे गाड़ी चला रहा हूँ भाई, क्या ही बोले, काफी मजेदार लग रहा है। कर 500 तक के बोट, अब 500,000 तक के यहाँ बोट मिलेंगे भाई। उधर देखोगे तो एक बड़ा सा बोट है, ये देखो, ये पानी जहाज है भाई, देख सकते हो। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर व्लॉग। सो दोस्तों, अभी जस्ट मैं बालोद जिला में हूँ, बालोद का एक देख सकते हो, ये है बालोद इको रिजॉर्ट। बालोद इको रिजॉर्ट में अभी मैं पहुँच चुका हूँ, और ये भी जो है बालोद का, जो बालोद का तांदुला जलाशय, तांदुला डैम में पहुंच चुका हूं। ये भी बालोद का ही एक पार्ट है, एंड देखते हैं यहां पे कैसा रहता है नज़ारा, क्या क्या यहां पे है, देखते हैं। इधर देखो हमारा गाड़ी वाड़ी, और ये हमारा पूरा टेंट वेंट का सामान पूरा लेके आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं, एंड आपको इधर दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है क्या है। तो अभी बालोद जिला में हूँ मैं, और घूम रहा हूँ बालोद में, तो यहाँ भी थोड़ा टूरिज्म प्लेस है, तो यहाँ पे देखने के लिए आ गया। तो चलो, सामने एक छोटा सा होटल है, यहीं पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, भजिया भजिया, मिर्ची भजिया। अबे मैं भी पैसा निकाल रहा था भाई, रिजेक्ट हो गया। निकाल लेना फिर से, 30 रुपये का दे दो भैया, दो दो 6,000 बाकी है उसमें, निकलेगा उसको देना है, 6 महीने के बाद हो जाता है। मिर्ची भजिया, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट बहुत ही जबरदस्त। गाइस, तो जैसे कि अभी हम लोग भजिया खाने आए हैं, तो अभी जस्ट नाश्ता वास्ता हो गया एक छोटा सा होटल में, एंड अब अंदर जाके देखते हैं रिजॉर्ट में, और यहीं पे नहाना वहाना का देखेंगे व्यवस्था बांध में, डैम में, तो यहीं पे नहा वहा लेंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। एंड ये देख सकते हो गेट से अभी जस्ट घुस रहे हैं, तो अभी हमारे बाइक है, बाइक से फिर आगे जाएंगे रिजॉर्ट में, फिर वहाँ पे कैसा कैसा मूवमेंट होता है, क्या क्या होता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब हम लोग के जैसे एरिया नहीं है, थोड़ा अलग ही एरिया है, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा ही है। बालोद ज़िला खूबसूरत ज़िला है, एंड खूब यहाँ का मतलब देखने लायक बहुत सारे जगह हैं। देखता हूँ मैं कहाँ कहाँ हो पाता हूँ, अभी तो बस यहाँ डैम में आए हैं, मतलब ये रिजॉर्ट में, तो यहाँ का देखते हैं। तांदुला डैम में अभी पहुँचे हैं, तो यहाँ देखते हैं, उसके बाद फिर आगे और कुछ कुछ देखने को मिलेगा तो दिखाऊँगा मैं आपको। बालोद ज़िला का सिटी विटी भी दिखाने का ट्राई करूँगा, तो अभी तो फ़िलहाल पहुँचे हैं, तो चलो जाके देखते हैं, फिर आप लोग को दिखाता हूँ आगे जाके। कुछ इस प्रकार से है नज़ारा, देख सकते हो, एंड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देखो दोनों तरफ जो है लाइट लगी हुई है, रहने के लिए, रुकने के लिए जो है रिजॉर्ट बने हुए हैं, जहाँ पे आप लोग आके रुक सकते हो, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो पहले जाते हैं, फिर काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे आके, और तांदुला रिजॉर्ट में। एंड हमारे यहाँ पे कुछ भैया लोग भी रहते हैं, बट वो किधर हैं अभी पता नहीं है, कॉल करके देखेंगे। सुनील, कॉल करके देखना यार उन लोग, भैया लोग को। तो चलो इधर थोड़ा पानी वानी में थोड़ा जाके देखते हैं उधर कैसा है नज़ारा, वो देखना पड़ेगा। और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है भाई, देखो सब लोग यहाँ पे। इधर वाटर वाला जो है ना, अभी काम भी चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक काम चला नहीं है, चालू हो गया है, मतलब अभी भी काम चल रहा है और कुछ कुछ काम हो गया है। चलो हम लोग पानी साइड चलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों, गोवा तो मैं कभी गया नहीं हूँ, बट ऐसा लग रहा है मैं इधर गोवा हुआ साइड ही आया हूँ टाइप का लग रहा है, क्योंकि इधर पूरा पानी, पूरा समुद्र के जैसे देख सकते हो, पूरा नाव वाव लगा हुआ है, बट कोई नहीं, अभी तो इधर देख सकते हो पीछे पूरा काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। एंड चलो जाके देखते हैं इधर वाटर पानी वाला में, तो वहाँ पे देखते हैं घूमने उमने का अगर मौका मिलेगा, पानी जहाज भी दिख रहा है उसमें, कहीं घुमा उमा दे तो मज़ा आ जाए भाई। कितना कितना फीस लेते हैं वो भी पता नहीं है, कुछ पता करना पड़ेगा। बाकी बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे,
और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है इस साल तो पानी बहुत कम है, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि हम लोग के साइड भी पानी कम है, इधर भी बहुत कम पानी गिरा है। अभी मैं आपको इधर बोट में ले जाके दिखाता हूँ कैसा है करके। कायाकिंग वगैरह भी करते हैं शायद यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। कोई नहीं, पहले अभी जाके देखते हैं तो पता चलेगा कैसा है। सो भाई देख सकते हो ये है गोवा के जैसे फील आएगा भाई, आप लोग यहाँ आके घूम फिर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा है भाई। यहाँ आप आओगे तो देख सकते हो कि इतने सारे बोट हैं, सब 100 रुपये से लेकर 500 तक के बोट, आप 500-1000 तक के यहाँ बोट मिलेंगे भाई। उधर देखोगे तो एक बड़ा सा बोट है, ये देखो ये पानी जहाज है भाई, देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ आके जो है ये सब बोट में मज़ा ले सकते हो, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा महंगा है और उतना बजट हम लोग के पास है नहीं, तो नहीं तो मैं भी वहाँ चले जाता, बट मेरे को वहाँ जाने का है नहीं, तो यहीं से मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। पूरा देख सकते हो भाई, पूरा समुद्र जैसा फील आएगा यहाँ पे, एंड देख सकते हो कैसा है नज़ारा यहाँ पे। तो ऐसे ही है भाई, देख सकते हो पीछे का नज़ारा, एंड क्या ही बोलूँ, हम लोग तो उधर जा नहीं सकते। अब यहाँ से इधर कुछ कुछ दिखाते हैं रिजॉर्ट कैसा कैसा बनाया, मेन देखने वाला तो यही था भाई, और क्या दिखाऊँ आप लोग को। चलो उधर आगे जाके देखते हैं और कैसे गाड़ी चला रहा हूँ भाई, क्या ही बोले, काफी मजेदार लग रहा है। सो भाई देख सकते हो यार, आज पहली बार ऐसा गाड़ी चलाने को मिला है मेरे को, काफी मजेदार लग रहा है। देख सकते हो एक हाथ से चला रहा हूँ भाई ये गाड़ी, पीछे सोवर को मिला है, ये मोड़ आ गया भाई, मोड़ आ गया। फोटो वोटो खिंचाएंगे क्या एक बार? ए भाई चलो, काफी डर भी लग रहा है भाई, लेकिन मजा भी आ रहा है, क्या ही बोल सकते हैं। अब कौन सा बाइक बोलते हैं भाई उसको, ATV बाइक का अभी मजा लेने के बाद जो है आई लव मोर तांदूला बालोद। इधर हम लोग थोड़ा रिजॉर्ट में थोड़ा घूम रहा हूँ, तो चलो देखते हैं भाई कैसा कैसा इधर नज़ारे हैं, और अच्छा ही लगा यहाँ पे आके। घाट के नीचे सीन मन है, बट यहाँ नहाएंगे सोचे थे यार, पानी में नहाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नहाने के जैसा इधर कुछ जगह ही नहीं है भाई, लड़की लोग बहुत ज़्यादा हैं इधर, काम वाम भी कर रहे हैं तो इसलिए पता ही नहीं चला। ये देखो मोर तांदूला बालोद, ये है भाई मोर तांदूला बालोद, देख सकते हो। और इधर पूरा जो रिजॉर्ट बना हुआ है भाई, यहाँ के आप लोग रुक सकते हो। एंड बता दूँ तो न्यूयॉर्क में, मतलब न्यू साल में जो है अभी 31st में यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पे आप लोग आके यहाँ पे रुक सकते हो और फेस्टिवल में यहाँ पे मज़ा ले सकते हो, ऐसा बोल के बताया गया था भैया के द्वारा। भाई इधर पूरा तिरंगा का झंडा लगा दिए हैं, बाकी इधर पूरा रिजॉर्ट लंबा है रहने के लिए, बट हम उतना दूर नहीं जा सकता भाई, उधर कुछ देखने के लायक भी नहीं है शायद, इधर पूरा बिल्डिंग ही है बस, यहाँ के आप लोग स्पेशली रह सकते हो। सरकारी है ना भैया? प्राइवेट है, प्राइवेट है ना, ये सब सरकारी बिल्डिंग है, मतलब यहाँ के बाहर के लोग रहे रुक सकते हैं, ऐसा वाला ना, रुक सकते हैं, रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट है बस। लेते होंगे यार अच्छा खासा, 3-4 हज़ार के आसपास स्पेशल है ना भाई, मतलब 3-4 लोग रुक सकते हैं। हाँ तो वहाँ आप लोग फैमिली वैमिली के साथ भी आके रुक सकते हो भाई रिसॉर्ट में। ये देख सकते हो मूर्ति है भाई इधर देखो, और वहाँ पे सुनील जो है सिनेमेटिक फोटो ले रहा है, सिनेमैटिक फोटो, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब है
बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। एंड इधर काफ़ी लोग यहाँ के स्टाफ होंगे जो बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो, बैठ के कुछ कुछ काम कर रहे हैं। एंड सभी लोग वर्कर लोग जो हैं यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। बट अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है भाई, और आप लोग फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो रिजॉर्ट में, छुट्टियों में आ सकते हो, छुट्टियाँ मनाने आ सकते हो, घूमने फिरने भी आ सकते हो, दोस्तों के साथ भी आ सकते हो इंजॉय करने के लिए। रुकने का भी अच्छा व्यवस्था है भाई यहाँ पे, क्योंकि रिजॉर्ट बना हुआ है, यहाँ पे आके रुक सकते हो। आप लोग को 2000-3000 में आप लोग को स्पेशल रूम मिल जाएगा, जहाँ पे आप फैमिली के साथ भी रुक सकते हो। एंड उधर बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो, कयाकिंग वगैरह भी कर सकते हो, एंड बहुत सारे यहाँ एक्टिविटी करने के लिए हैं। बट हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बट एक्टिविटी चालू है, हर चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। बट इतना ही था, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो अब आगे कहाँ जाएंगे वो तो मेरे को नहीं पता, बट यहाँ से तो जाएंगे अभी। एंड काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार, फैमिली के साथ आ सकते हो, दोस्तों के साथ भी पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हो, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो चलिए आज का वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ से अब निकल रहे हैं। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।